दिव्यांग कल्याण मंत्री मंच से अपनी शेखी बघाड़ने में मशगूल थे और कार्यक्रम में दूर दराज से आए दिव्यांग अव्यवस्था के बीच धूप में पसीने से तरबतर उस पल का इंतजार कर रहे थे जब उन्हें मंत्री जी के हाथों ट्राई साइकिल मिल सके। लेकिन इसी बीच कार्यक्रम में अव्यवस्था की पोल तब खुल गई जब सुबह से कार्यक्रम में पहुंचा भूख प्यास से व्याकुल दिव्यांग अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। उनका कहना था उसे आज तक कुछ भी नहीं मिला, उसे कभी भी पेंशन नहीं मिली। बाद में जब मंत्री से दिव्यांग की परेशानी को लेकर सवाल किया गया तो बड़ी चालाकी से मंत्री ने उसकी तुलना भगवान राम के 14 सालों के वनवास से कर डाली। उन्होंने कहा कि भगवान राम को 14 साल वनवास के बाद जब वापस राज्य मिला तो उस समय उन्हें कष्ट नहीं था। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से भी अभद्रता की गई। मीडिया एक दिव्यांग की बाइट को अपने कैमरे में कैप्चर कर रही थी। इसी बीच पार्टी के एक व्यक्ति ने मीडिया को धक्का दे दिया। यही नहीं, उसने एक मीडिया कर्मी को देख लेने की धमकी तक दे डाली। हालांकि इस घटना की जानकारी मिलते ही मंत्री जी हाथ जोड़कर मीडिया को मनाते हुए नजर आए। देखिए, भगवान राम जी जब वनवास में निकले थे तो बड़ी कठिनाई भगवान राम को भी हुई थी। ऐसा नहीं कि उनको बरसात झेलना पड़ा, धूप झेलना पड़ा। उसके बाद भगवान राम को जब गद्दी मिली तो उस समय धूप में नहीं बैठे थे कि बैठे थे। सर एक सवाल, लेकिन मंत्री जी आपने कहा भगवान राम की तुलना विकलांगों से करी, लेकिन भगवान राम विकलांग नहीं थे और उनको शायद इतना कष्ट भी नहीं होता अगर विकलांग होते तो क्या आपका नहीं लगता कि ये तुलना सही नहीं है? इस देश का जो भी माना है वो भगवान है, इस देश का जो भी माना हो वो भगवान है। वो दिव्यांग के कारण वो है तो इंसान ना, वो भगवान है। अगर भगवान राम से उसकी संज्ञा दी जा रही तो कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए बहराइच से सत्य प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ to receive new updates, reviews and news.